डियर स्टूडेंट्स, आज अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कंसेप्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? कंसेप्ट। देखिए, सबसे पहले तो इसके नाम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका दूसरा नाम भी होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, और तीसरा नाम भी होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और ये तीन नाम तो चलन में हैं, ये किसी भी कंटिन्यूअस को आप दे सकते हैं। क्लियर? जैसे कि छह कंटिन्यूअस होते हैं, एक कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनमें से छह कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस की जगह पे इन दोनों शब्दों का आप इस्तेमाल यूज कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि कंटिन्यूअस माने काम जारी है, प्रोग्रेस माने काम प्रगति पर है, माने तो जारी है, इम्परफेक्ट माने कार्य अपूर्ण है तो भी जारी माना जाएगा। लेकिन एक नाम विशेष है जो इस टेंस को दिया जाता है, और वो इसके कंसेप्ट को भी एकदम क्लियर कर देता है। मुझे इसका वही नाम ज्यादा सटीक लगता है। और उस नाम क्यों रखा गया, वो नाम क्यों उसका क्या कहते हैं यूज किया है, तो वो सारी चीजें अगर आप समझ लेंगे तो इस टेंस का कंसेप्ट खुद ही क्लियर हो जाएगा। वो कंसेप्ट बेस नेम है उसका। वो चौथा नाम है और सबसे इंपॉर्टेंट नाम ये है द रियल प्रेजेंट टेंस। द रियल प्रेजेंट टेंस, क्लियर? ये नाम इसका है। रियल शब्द का इस्तेमाल या प्रयोग आप किसी भी टेंस के साथ नहीं कर सकते सिवाय प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। रीजन उसका समझिए, रीजन समझोगे इसका कंसेप्ट भी क्लियर उसी के साथ अपने आप हो जाएगा। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट तीनों टाइम को बताता है। द सनराइज इज इन द ईस्ट, माने ये तीनों कालों की घटना है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की, वो लगातार है। अच्छा, उसके बाद में अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट टाइम को बताता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टाइम को ज्यादा बताता है, प्रेजेंट को तो एक क्षण बताता है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, अब सुबह हो, शाम हो गई है, दोपहर हो गई, तब आप ये बोल रहे हैं, माने सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, माने पास्ट का टाइम ज्यादा बता रहा है, प्रेजेंट का कम। ठीक है, पास्ट में भी कुछ ऐसा ही है, रियल पास्ट नहीं कह सकते क्योंकि पास्ट में पास्ट के चारों पार्ट जो है वो पास्ट बताते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट बताता है, फ्यूचर में भी कुछ पास्ट के अंश आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, है ना? तो वो उस तरह से उसमें भी खींचता है। मैंने पास्ट बताने के लिए कई टेंसेस हैं, फ्यूचर बताने के लिए भी कई टेंसेस हैं, लेकिन प्रेजेंट को रियलिटी में बताने के लिए द ओनली टेंस इज हियर, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और द कंसेप्चुअल नेम इज द रियल प्रेजेंट टेंस। क्लियर? सो ये चीज क्लियर हो गई होगी। क्लियर? फिर भी आप देखिए इसको थोड़ा सा आगे, इसकी वर्ब फॉर्म क्या होती है, एम डूइंग। वर्ब फॉर्म क्या होती है, एम डूइंग। ठीक है, कंपटीशन वाले बच्चे आसानी समझ लेंगे, एम का मतलब विजय मार होता है, ये उसकी कंसेप्चुअल है। अब इसमें जो वर्क एक्शन इज इन प्रोग्रेस एट प्रेजेंट, वर्क इन प्रोग्रेस एट प्रेजेंट, ये इसका बेसिक कंसेप्ट। क्लियर? इसमें जो है वर्ब फॉर्म तो यही रहती है, इसके बाद में हम ये देखते हैं इसमें जो उसके कुछ पहचान वाले शब्द हैं, कुछ फ्रेज हैं, वो आप देखते हैं जिनसे इस टेंस की पहचान हो जाती है, जैसे नाउ। क्लियर? एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली। क्लियर? करेंटली, नाउ इट इज, नाउ इट इज, इसका आपको पता ही होगा ए के साथ में प्लूरल आता है, लेकिन इसी तरह से फ्रेज यूज होता है, नाउ इट इज, और दीज डेज, और उसके बाद में है आपका एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम। क्लियर? इस तरह से ये कुछ शब्द हैं,
माने इनकी अगर आप बेसिक अंदर की बात समझें, कंसेप्ट वाली बात समझें, तो स्थिति ये बनेगी कि ये सारे के सारे प्रेजेंट टाइम को बता रहे हैं। क्लियर? और इसमें जो सामने दिख रहा है वही बात होती है, या प्रेजेंट में जो चल रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा वो अलग मैटर है, तो वो प्रेजेंट में चलने वाली बात यहाँ पे आती है। इसके साथ में ये टेंस जो है एक काम और करता है, माने पहले से काम क्या था क्या नहीं है ये कोई सूचना हमारे पास, माने पास्ट और फ्यूचर की इसमें हमारे पास सामान्यतः जनरली कोई सूचना नहीं होती, ये चीज है। उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये थोड़ा सा फ्यूचर को भी बता देता है। किसको बता लेता है? फ्यूचर को। जैसे माई फादर इज कमिंग टुमारो, क्या बात आ रही है? माई फादर इज कमिंग टुमारो, ये देखो फ्यूचर को बता रहा, माने फ्यूचर टाइम आ जाएगा किसी सेंटेंस में तो ये फ्यूचर को भी इंडिकेट करने लगता है। इसके बाद में एक बात ये भी आती है, एक स्ट्रक्चर और होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, इंडेफिनेट प्लस बट प्लस टुडे, टुडे या दिस टाइम, इस तरह का कोई शब्द आ जाए तो इसके बाद में एम डूइंग आता है। एम डूइंग माने प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ जाता है। माने इसको अपन अगर कंसेप्ट बेस में इस स्ट्रक्चर को लिखते हैं तो क्या स्थिति बनती है अपनी, देखिए रूटीन या हैबिट बता दीजिए, रूटीन या हैबिट बताइए आप, और बट करके प्रेजेंट टाइम में वो हैबिट बदल के आप कुछ और कर रहे हैं। जैसे मोहन गोज टू स्कूल बाय कार, मोहन गोज टू स्कूल बाय कार, ये उसका रूटीन हो गया, कार से जाता है, बट टुडे ही इज गोइंग टू स्कूल ऑन फुट। केवल आज की बात हो रही है, माने रूटीन से हटके आज की बात हो रही है, तो वही स्ट्रक्चर आ जाता है रूटीन, और रूटीन से जब आप प्रेजेंट में हटते हैं तो बट लगेगा, और बट के बाद में फिर टुडे या इस तरह का कोई टाइम आ सकता है जो प्रेजेंट को इंडिकेट करे, और फिर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस आ सकता है। क्लियर? इसमें इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो कंपटीशन के मतलब की है इतना तो है ही, जो कुछ द रियल प्रेजेंट टेंस अगर इसका नाम आपको पता है तो यहां से बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, आप जान भी चुके हैं। इसके बाद में देखते हैं एक चीज नई और इस टेंस में आती है, वो आती है नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स, नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स, दीज आर द वर्ब्स विच नॉर्मली आर नॉट यूज्ड विथ कंटिन्यूअस टेंसेस, नॉट ओनली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, विथ कंटिन्यूअस टेंसेस, माने सिक्स कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, उनमें से तीन कंटिन्यूअस होते हैं, तीन परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस हिसाब से मैं सिक्स कंटिन्यूअस टेंसेस कह रहा हूं, उसमें उन सभी छह टेंसेस में नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स आर नॉट यूज्ड, इंस्टीड द सेंटेंस इज कंप्लीटेड आइदर इन इंडेफिनिट और इन परफेक्ट, मोस्टली इन इंडेफिनिट, एंड द सिचुएशन अराइजेस द टेंस विल डेफिनेटली कंप्लीट, विल बी कंप्लीटेड इन परफेक्ट टेंसेस, मोस्टली इन इंडेफिनिट टेंसेस। क्लियर? अब व्हाट आर दीज वर्ब्स, तो दीज वर्ब्स, इसका मैं अलग से वीडियो डालूंगा, ये वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट दे देंगे। जैसे आपने सुना होगा आई वॉन्ट टू टीच, आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा आई एम या बाज या विल बी, है या शैल बी भी हो सकता है यहां, बाज या विल बी या हैव बीन, वांटिंग, कभी भी ये नहीं सुना होगा वांटिंग टू टीच। ये सेंटेंस सही है और इस सेंटेंस को गलत मानते हैं, क्योंकि वांट वर्ब जो है नॉन कंक्लूसिव वर्ब है और उसका कंटिन्यूअस में प्रयोग नहीं करते। बहुत सारी वर्ब्स हैं, सारी तो अपने सेंस ऑर्गन वाली वर्ब हैं, सी हियर टेस्ट स्मेल टच फील, है ना, उसके बाद वांट है, विस है, डिजायर है, नीड है, बहुत सारी वर्ब्स हैं, इनका जो है हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
क्लियर। इसमें ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, नॉन कंक्लूसिव वर्ब को समझना बहुत ही जरूरी है, क्लियर। इसके बिना आप जो है कंपटीशन में इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में डिफरेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट में डिफरेंस करने में आपको मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसमें जब कोई क्ल्यू नहीं दिखता है तो अंत में एक क्ल्यू यही डाल देते हैं कंपटीशन वाले कि ये वर्ब कंटिन्यूअस में नहीं जाएगी, उस बेस पे आपको जो है इसको परफेक्ट या इंडेफिनिट चुनना पड़ता है, क्लियर। इस वर्ब्स को अपन अलग से नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स का वीडियो डालेंगे। थैंक यू।